होप माई ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं है. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कन्फर्मेशन देन विल स्टार्ट. आई एम चेकिंग विद द ऑल द ISBs. आज जितने लोग भी है इस ग्रुप में ओके. सो आई गॉट द कंफर्मेशन नाउ. सो अभी मैं सबको सुनाई दे रहा हूं. ओके सो गॉट द कंफर्मेशन. ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर बहुत सारे जगह पे आप ऑलरेडी गुड मॉर्निंग ऐसे चिल्ला रहे होंगे विच इज गुड. ओके सो आई एम दो आई एम नॉट एबल टू सी ऑल ऑफ यू. मैं आप सबको देख नहीं पा रहा हूँ बट मैं आप सबको फील कर पा रहा हूँ थ्रू ऑल ऑफ योर अप्लाइंस और उनके मैसेजेस उनके ग्रुप्स उसके थ्रू मैं आप सबको फील कर पा रहा हूँ. ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. आप सब लोग अच्छे होंगे और आज का दिन जो है वो आपका बहुत शानदार गया होगा राइट. और मैं श्योर हूँ कि आप सबके बहुत सारे ढेर सारे प्लान्स हुए होंगे ढेर सारे आपके गोल्स जो है उसकी तरफ आप काम किए होंगे और आपका दिन बड़ा प्रोडक्टिव भी गया होगा
ओके सो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. मेरा नाम है बट्टा कृष्ण साहू, आप मुझे कृष्णा बुला सकते हैं, राइट. और मैं बिलोंग करता हूँ एक जगह से, उड़ीसा में, इंडिया में एक जगह, एक स्टेट है उड़ीसा. उड़ीसा में एक स्मॉल विलेज है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ. और मेरी पढ़ाई सब कुछ जो है वो गांव से ही हुआ है, विलेज से हुआ है. और मेरे फादर जो है वो टीचर थे, और बचपन में जो सरकारी स्कूल बोलते हैं जिसको, वहाँ पे पढ़ाई सब कुछ हुआ है मेरा. उसके बाद मैंने 11th भी पढ़ा, 12th पढ़ा 10th के बाद. देन उसके बाद मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, और उसके बाद मैंने बीटेक किया है. इसको बीटेक इंजीनियरिंग बोलते हैं. तो बात यही है कि बहुत सारा इंजीनियरिंग किया हूँ. सो बहुत सारा इंजीनियरिंग में खासियत यह है कि नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेक्निकल नॉलेज. मतलब ये हमें लगता है, एक्चुअल में जो है नहीं, एक्चुअल में इट इज़ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड. और उसमें करीब 7-8 साल पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे जॉब मिला था, और एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे मैंने जॉब किया. और जॉब, मेरा पहला जॉब का लोकेशन जो था, मेरी ट्रेनिंग हुआ था मैसूर में. बैंगलोर के पास एक जगह है इन कर्नाटका स्टेट, वहाँ पे एक जगह है मैसूर, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पे हुआ था. उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है, जो मेरी पोस्टिंग है वो हुआ था हैदराबाद. ओके सो हैदराबाद इज अ प्लेस जो मुझे ब्रेड एंड बटर दिया है. पहला फर्स्ट जॉब आफ्टर ट्रेनिंग वो है हैदराबाद, और वहाँ पे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया. तो करीब 2 साल तक मैं हैदराबाद में जॉब किया. उसके बाद मैं बैंगलोर गया था 1 साल के लिए. देन उसके बाद देन आई केम बैक टू हैदराबाद अगेन. फिर हैदराबाद में जॉब चल रहा था. देन इन दैट टाइम दिस बिजनेस केम इन टू माई लाइफ. सो दिस इज हाउ जो बिजनेस की शुरुआत जो है वो ऐसे ही हुआ है. और क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं क्यों स्टार्ट किया. अब बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे रीज़न है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे रीज़न के लिए स्टार्ट किए थे. मेरा बहुत सिंपल सा थॉट था कि जितना पढ़ाई करना था पढ़ाई कर ली, उसके बाद जो जॉब करना था जॉब भी कर ली, उसके बाद आगे का पता था कि और पढ़ाई नहीं करनी है, और लाइफ में जो भी आगे होगा वो इसी जॉब के थ्रू होगा, जिसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट लैडर बोलते हैं, कि एक पोजीशन पे ज्वाइन किए, फिर नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन. तो ऐसे आगे 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 मेरी जॉब जो है वो चलेगी, और उसके बाद जो भी प्रमोशन होगा, या तो कंपनी चेंज कर लिया तो उसमें कुछ हाइक मिल जाएगा, राइट. तो उसी डायरेक्शन में लाइफ चलेगी. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर देखा जाए तो उनका ग्रोथ भी अच्छा होता है. कुछ साल इंडिया में रहते हैं, कुछ साल के बाद फिर उनको बाहर का कोई प्रोजेक्ट आ जाता है. जैसे आप में से बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए होंगे, लंदन में हो सकते हैं, यूरोप में हो सकते हैं, यूएस में हो सकते हैं, या तो कोई और कंट्रीज में भी हो सकते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे स्कोप है, जो कि आईटी में मेरा भी, मेरे साथ भी सेम था. अब ये पता है, ये अगले 30 साल तक, क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक 30 साल तक जॉब कर पाता है मोटा मोटा, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट जब हम करते हैं तो उसमें ये रहता है कि बैठे बैठे एक तो काम करना है, और जब बैठे बैठे काम करना होता है, फिजिकल एक्टिविटी आजकल वैसे भी कम हो रही है, तो 30 ईयर्स इज अ गुड टाइम. और इसी हिसाब से लाइफ वॉज सेट, एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, एवरीथिंग वॉज फाइन. और ये करने का कोई पर्पस, कोई रीजन था ही नहीं. अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, बिजनेस स्टार्ट करने का कोई रीजन था ही नहीं. किया था इसलिए क्योंकि टाइम था, कुछ और कर लेते हैं. ऐसा होता ना कि आपके साथ में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो स्टार्ट तो किए हैं बट क्यों स्टार्ट किए नहीं पता, बस कर लिए कि चलो कुछ और आया है, ट्राई कर लेते हैं. सो अब मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि मैं बहुत ज्यादा ढूंढ रहा था कुछ करने के लिए, नहीं, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसलिए कह लिया क्योंकि कुछ और कर सकते हैं, और ऐसा तो अंत तो है नहीं इसी चीज का, कि जितना भी चाहे अब इस एज में, ये जो मेन टाइम है, इस टाइम पे जितना
ज्यादा कर सकते हैं जितना बॉडी अलाउ करता है, जितना आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, आई ऑलवेज बिलीव इन दैट, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो जॉब अच्छा चल रहा था, तो ये बिजनेस जब आया था तो देन आई सेड यस, और मैं स्टार्ट भी कैसे किया था, इट वॉज इन 2013 ऑगस्ट, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो करीब मुझे 9.5 साल से ज्यादा हो गए, इनफैक्ट 10 साल होने वाला है देखा जाए तो। उस टाइम पे एक ऐसे ऐसे ही चल रहा था, तो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही टोल्ड मी, उसने मुझे ये बताया कि एक बिजनेस कर रहा हूँ और तुझे बिजनेस का प्लान देखने आना है एक जगह पे। तो हैदराबाद में एक जगह है बंजारा हिल्स, वहां पे आना है। मैंने बोला ठीक है आना है। फिर उसने बोला संडे का 4 बजे, संडे 4 बजे से पहले उसने मुझे कॉल करके बोला कि सुनो तुम्हें आना है बट फॉर्मल आना है, अभी आजकल तो हम लोग जूम पे सब कुछ कर रहे हैं। और उस टाइम पे ये था कि फिजिकली जाना था, तो फिजिकली हम फॉर्मल पहन के रेडी होके जाते थे, एंड आई फील दैट इज क्वाइट एक्साइटिंग। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सिस्टम आने से पहले कितने लोग 2-3 मिनट लगा होगा आपको रेडी होके आने के लिए भी, बहुत सारे लोगों को। हमें सिस्टम जाने के लिए उस टाइम पे संडे सुबह होता था और 9 बजे होता था हमारा डोर क्लोजेस, जैसे यहाँ पे आपके भी टीम के होंगे कि बहुत सारे टीम के होंगे कि 8:45 डोर क्लोजेस, 8:30 डोर ओपन, या आईटी स्टार्ट होता है, आपके कुछ डांस हुए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे कि डांस तो वो तो सब ठीक है, डांस क्यों चल रहा है, ये सबका होता है, सब लोग ऐसे स्टेज देके जाते हैं। अगर आप भी ऐसे स्टेज देके जा रहे हो, घबराना नहीं, टेंशन लेने का नहीं, आपका अगर आज पहला दिन भी है आपको वेलकम टू द फैमिली, बट कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सब सब आप भी ऐसे रास्ते से हम सब देखे गए हैं, आप भी देखे जाओगे एंड इट इज गोइंग टू बी फाइन। ओके, तो अब जब जब स्टार्ट किया मैंने, तो मैं भी ऐसे पहुंचा वहां पे, और उस जमाने में ऐसा होता था कि 9 बजे अगर आपका डोर क्लोजेस है तो डोर बिल्कुल बंद हो जाता था। ऐसा नहीं कि आप लाइन में खड़े रहे और 9 बजे अगर हो गया है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं लाइन में तो खड़ा था, 9 बजे तक आपको अंदर जाना है तो अंदर जाना है, अब उसके लिए 20 मिनट पहले आओ, फिर 1 घंटे पहले रेडी होके निकलो। तो इट वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। तो पहले दिन जब मैं गया था, संडे सुबह सुबह का था, आफ्टर स्टार्टिंग बिजनेस, कमिंग बैक टू हाउ आई स्टार्टेड, तो मुझे संडे 4 बजे के लिए बोला गया था, और मुझे बोला गया कि फॉर्मल पहन के आना, और पता नहीं क्यों इसलिए मैं नहीं गया, आज तक नहीं पता मुझे क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारे जॉब में उस टाइम पे हमारा ऑफिस का ड्रेस कोड होता था, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे आपको टाई पहन के आना है, वेडनेसडे और थर्सडे आपको फॉर्मल पहन के आना है, फ्राइडे को ही आप जीन्स पहन सकते हो। तो मेरा ये था कि सैटरडे संडे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट वेयर फॉर्मल। अब मुझे क्योंकि मुझे जिन्होंने बताया बिजनेस के बारे में, उन्होंने बताया कि फॉर्मल पहन के आना, मैंने बोला नहीं फॉर्मल पहन के तो नहीं जाऊंगा। तो इट वॉज अ बेसिकली नो सो। तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने उस दिन गया ही नहीं। अब पता नहीं उनके बीच में बात हुआ होगा, जैसे आप में होगा ना कि आपके प्लेन बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम्हारा क्यों पर्सन सीरियस नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ होगा उनके बीच में। बट उसके अगले दिन क्या होता है, मंडे के दिन ऑफिस में हम मिले, ऑफिस जाते टाइम मिले, उसके बाइक में जा रहे थे, तो जाते टाइम पे मैंने उनको पूछा एक बात बताओ बिजनेस अच्छा है, बोले कि हाँ अच्छा, तो तुम तो कर रहे हो वैसे भी, तो तुम्हें पता ही होगा, बोले हाँ अगर अच्छा है तुम कर रहे हो, बाकी तुम देखे ही हो, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तो अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम देखे हो और तुम अगर कर रहे हो, तो मैं ऐसा एक्स्ट्रा क्या ही सोच लूंगा और क्या ही देख लूंगा, क्या ही समझ लूंगा, तो एक काम करते हैं स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी टाइम है मेरे पास, कुछ कर सकते हैं, राइट। और टाइम तो सबके पास वैसे भी अगर देखा जाए, टाइम सबके पास होता ही है, 24 घंटे तो भगवान ने सबको दिया है, तो देखा जाए तो टाइम सबके पास होता है। तो मैंने बोला कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो कर लेते हैं, करके देख लेते हैं क्या होता है, राइट। और इसके पीछे का रीजन भी मैं बताता हूँ आपको। मैं 10th के बाद मैं 11th 12th भी बाहर पढ़ा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल मैंने बाहर पढ़ाई की, इंजीनियरिंग भी 3 साल मैंने बाहर पढ़ाई की, क्योंकि मेरा लेटरल एंट्री जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद 3 साल होता है, मैंने बाहर पढ़ाई किया, ऑफिस में ट्रेनिंग के टाइम पे जो एग्जाम हुआ वो भी बाहर ही से पढ़ाई किया, और सारे दोस्तों के बीच रहे, और वही दोस्त कोई अनजान दोस्त जो बिल्कुल
आप जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, वही दोस्त आपको एग्जाम से पहले यही बोलता था कि भाई सुन ये चार पढ़ ले, तूने पढ़ा नहीं है, दो बार रिविजन कर ले, राइट। अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल लाइक मीडियम स्टैंडर्ड स्टूडेंट रहे हो, 70-80 ये परसेंटेज में रहे हो, तो आपके साथ ये जरूर हुआ होगा। इनफैक्ट अगर आप अच्छा स्टूडेंट भी रहे हो तो आपके साथ भी हुआ होगा, कोई आपको दोस्त आपको हेल्प इसलिए क्या हुआ, बिना कुछ मतलब के इसलिए आपको हेल्प क्या हुआ कि नहीं भाई तू ये पढ़ ले, ये देख ले। मुझे याद है इंटरव्यू देने से पहले भी मेरे दो दोस्त बोले थे कि भाई भाई सुन, अगर तुझे पूछेंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हो, ऐसे थोड़ा स्माइलिंग फेस से बोलना और थोड़ा डिस्क्राइब करके बोलना, कोई पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताओ तो ऐसे एक लाइन में मत बोलना, तीन चार लाइन बोलना, या कुछ बोलेंगे कि तुम्हारे क्वालिटीज क्या है, हॉबीज क्या है, ये सब अगर पूछे तो अच्छे से बोलना। और ऐसे दोस्तों क्या कुछ फायदा होता था, नहीं होता था, राइट। एक खुशी था कि चलो मेरा दोस्त जो है नौकरी लग जाए उसका, और ये वही दोस्त थे जो खुद भी पढ़ाई कर रहे थे, खुद भी अच्छा कर रहे थे, और जॉब में भी उनका जॉब भी लग गया था, या वो भी मेरे साथ ही जॉब दे रहे थे। बट ऐसे ही करके अपना करियर बना लिया पूरा। आप सोचो 10th के बाद घर से दूर ही रहा हूं मैं, तो पूरा करियर बना लिया इन लोगों के भरोसे। अब और आज एक दोस्त अगर बोल रहा है कि कुछ है, फिर उसमें अगर मैं डाउट करूं नहीं नहीं मुझे समझना है, मुझे जानना है, मुझे देखना है, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ फिर कोई और होगा नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं तुम देखे हो ना, और इतना ट्रस्ट मेरा था कि एटलीस्ट वो जान बूझ के तो फंसाएगा नहीं मुझे। होता ना कि चलो दो मिलके किए कुछ स्टार्ट किए, अब आगे जाके क्या होगा नहीं पता किसी को, बट एक थॉट जो है वो थॉट सही था कि दोनों मिलके कुछ बड़ा करेंगे, राइट, मिलके कुछ करेंगे और ये फंसाएगा नहीं, इतना मैं क्लियर था। देन मैंने बोला कि तूने देखा है ना, इसलिए दैट इज द रीजन मैंने बोला उसको कि तूने देखा है, तूने समझा है, तू किया हुआ है, तो फिर मैं और क्या देखूंगा, कुछ भी होगा जो भी होगा मिलके करेंगे, नहीं और स्किल नहीं आता तो सीख लेंगे, तू है ना साथ में। तो दैट्स व्हाओ आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस कि नहीं उसने बोला है ना कि मिलके करें तो मिलके स्टार्ट कर लेते हैं। देन फिर आए संडे को, जैसे मैंने आपको बताया सुबह सुबह का सिस्टम, जैसे अभी आपका हो रहा है अभी सिस्टम, वैसे मैं भी संडे सुबह सुबह आया सिस्टम, सुबह सुबह उठ के, और आपको बताया ना इंजीनियरिंग है तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलता है कि 9 बजे, तो हम 9 बजे क्यों जाएंगे, थोड़ा लेट भी जा सकते हैं, बट ही वॉज वेरी श्योर कि नहीं नहीं अगर लेट करेंगे तो अल्लाह ना करें, तो वो जबरदस्ती मुझे उठा के लेके गया है। तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को ऐसे जबरदस्ती बोले होंगे कि नहीं आईडी स्टार्ट हो गया ज्वाइन करो। आप में से कुछ लोगों को आपके अपलाइन जो बोले होंगे कि नहीं जब आईडी स्टार्ट होता है डांस करने के लिए तब से ज्वाइन करना है, एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोग हैं जो ज्वाइन किए होंगे पूरे लास्ट मोमेंट में, आपको पता है कि नहीं चलो कंटेंट क्या है उसी टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं, पहले ज्वाइन नहीं करते हैं, राइट। तो मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे सोच रहा था, बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि एक्चुअल में जो पीडीएस है, जो सिस्टम है, आप पीडीएस भी बोल सकते हो, सिस्टम भी बोल सकते हो इसको, जो स्टार्ट होता है ना वो उसी टाइम पे स्टार्ट होता है जिस टाइम पे आईडी ओपन होता है, ठीक है। तो जब आईडी ओपन हुआ तब से स्टार्ट होता है, अगर आईडी ओपन के टाइम से आप जितना डिले करते जाओगे तो आप पीडीएस उतने लेट स्टार्ट कर रहे हो, ये मान के चलना। अगर आपका आईडी 7:30 स्टार्ट है, दैट मीन्स यू हैव टू बी देयर इनसाइड दिस पीडीएस इन 7:30। फिर आप में से कुछ लोग आई नो कि स्टार्टिंग में जैसे मैं अंदर गया था, मैं देख रहा था सडनली चारों तरफ लोग डांस कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, और सडनली कि आपने स्टार्ट किया लोग सब डांस कर रहे हैं, ऐसे क्यों डांस कर रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत क्या है सैटरडे इवनिंग को यहाँ पे स्क्रीन के सामने डांस करके क्या हो जाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन है आपके मन में, आपको लग रहा है कि ठीक है जो डांस कर रहे हैं करने दो, मैं देखूंगा या मैं देखूंगी या मैं अपना वीडियो बंद करके रहूंगा, ऐसे सोच आ सकता है, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। बट आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको सजेशन ये दूंगा कि स्टार्ट विद द फ्लो, ये फ्लो में जाना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी जब आगे हम बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आएगा और भी कि क्यों ये सब चाहिए। और देन फिर
सिस्टम खत्म हुआ उसके बाद हमारा शेयरिंग होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक शेयरिंग चीज ऐसी चीज है जो कि आफ्टर पीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना डिसीजन है, राइट। हमने ही क्या डिसाइड किया है इस वीक के लिए, आज के लिए, या तो इस मंथ के लिए, जो भी आप डिसाइड किए हो करने के लिए, राइट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बट व्हेन आई फेस दिस, जब मैंने ये फेस किया था पहली बार कि शेयरिंग करना है, क्या डिसीजन है, मेरे लिए अनकंफर्टेबल इसीलिए था क्योंकि ऐसे खड़े होके सर्कल में ऐसे बोलना कि नहीं मेरा नाम ऐसा है, मुझे इन्होंने रेफर किया है, मैं ये डिसाइड करता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ऐसे वाले माहौल में मैं बिलोंग नहीं करता था। तो मुझे लग रहा था ये सब क्यों चाहिए। तो धीरे 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 वो सब चीजें फिर सीखे आगे जाके, देन पीडीएस खत्म हुआ। देन पीडीएस के बाद फिर हम गए, एक कॉफी शॉप होता था जहाँ पे हम लोग मिलते थे, जहाँ पे एसोसिएशन इसको बोलते हैं, एसोसिएशन वहाँ हुआ करता था और हैदराबाद में ही। और वहाँ कॉफी शॉप में फिर जब गया तो मैं पहली बार बिजनेस प्लान वहाँ पे जाके देखा कि बिजनेस प्लान क्या होता है। अब जिन्होंने जो प्लान दिखा रहे थे वो दिखा रहे थे किसी और को, और मैं उनके बगल में बैठ कर बस देख रहा था कि प्लान कैसे दिखा रहे हैं। और मैं समझ में मुझे आ नहीं रहा था कुछ, बट मुझे इतना समझ में आ रहा था कि कुछ तो ऐसा चीज है जिसमें पैसा बनता है, ये क्लियर है, और कुछ ऐसा चीज है जिसमें साथ करेंगे तो काम हो जाएगा, राइट। कुछ ऐसा चीज है जो मेरे सामने जो इंसान बैठा है वो कर रहा है, वो कर चुका है, उसी चीज को मुझे करना है, राइट। समहर ये चीजें था, और उसके साथ साथ जो नंबर्स थे वो नंबर मुझे समझ में आ रहे थे, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया ना कि साइंस स्टूडेंट इंजीनियर, तो सारे नंबर 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 देख के ये नंबर समझ में आ रहा था। और नंबर में इतना क्लियर था कि अकेले आदमी का जिंदगी भर काम करके हम जितना कर सकते हैं, और अगर हम साथ में मिलके काम करेंगे तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं, और यही रीजन है कि एक सिस्टम बिल्ड हो सकता है, एक सिस्टम जनरेट हो सकता है, और ये सिस्टम जो है वो रन कर सकता है अगर इसको 4-5 साल सीरियसली किया जाए तो। इतना मुझे समझ में आ रहा था वहां पर, और ऑब्वियसली पहले दिन इतना ही समझ में आ रहा था, बाकी 2 घंटे का क्या ही बात हो रहा था। मैं आँख खोल के सो सकता हूँ, तो मैं आंखें तो खुली थी, बट मैं ऐसे देख देख के आज लाइक हाँ ठीक है, कुछ तो चल रहा है, क्या यहाँ से हो, क्या बिलोंग करते हो, क्या करते हो, ये सब चीज़ों से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे। मैं बस जज करता, अच्छा ये ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा इन्होंने ऐसे बोला, इन्होंने ऐसे बोला, इन्होंने ऐसे बोला, ये सब चल रहा था स्टार्टिंग। देन वो खत्म हुआ, बैक टू बैक प्लान्स 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 हुए, और मैं हर प्लान में एक के बाद 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 एक प्लान में मैं बैठा रहा। आपको ये लग रहा होगा कि बहुत डेडिकेटेड हूँ, नहीं नहीं बहुत डेडिकेटेड नहीं हूँ, तो क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि प्लान में बैठो, मुझे ये नहीं बताया था कि कितने प्लान में बैठना है, तो हर कोई प्लान में मैं जाके बैठ रहा था चुपचाप। ये लोग भी कुछ बोल नहीं रहे थे, जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे अपलाइंस जो थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, उनको लग रहा था मैं सीरियस हूँ, मुझे बताया मैं बैठ के भी सो सकता हूँ, तो कोई टेंशन है नहीं। तो उस हिसाब से पूरा इवनिंग तक चला। इवनिंग के बाद मुझे बोले कि जाना है, अभी डिनर करेंगे साथ में। अब स्टार्टिंग में हमें ये लगता है कि नहीं, घर पे तो बना हुआ है, डिनर क्यों करना है। देन उस दिन मैंने कुछ बोला नहीं, फिर हम गए डिनर पे। डिनर पे जाके डिनर खत्म हुआ, उसके बाद बोले मुझे कि वेलकम, आपका वेलकम होगा, राइट। अब जब वेलकम करने के लिए बोले, मैं अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि वेलकम है क्या, वेलकम क्यों करने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोले कि नहीं, वेलकम आपका वेलकम अभी तक नहीं हुआ है। मैंने बोला वेलकम हो गया ना, मैं सुबह से आ गया, और कितना वेलकम करूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वेलकम एक इंडक्शन सेशन है, यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या करना है। मैंने बोला कल बात करते हैं, आज तो रात हो गया ना। बोले कि नहीं नहीं आज ही करेंगे। तो उस दिन रात को ही वेलकम हुआ, और वेलकम में बैठा हूँ इसीलिए ये सोच के कि मैं आया हूँ, मुझे बताया जाएगा इस बिजनेस में कि क्या 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 करना है, कैसे 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 करना है, और मैं उसको इम्प्लीमेंट करके पैसा कमाऊंगा। बात सिंपल है। मुझे वेलकम में पहला चीज पूछे कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या है। अब अगेन अनकम्फर्टेबल चीज है मेरे लिए,
कि ये क्या क्वेश्चन है, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, इनको क्या मतलब, राइट। बोले कि नहीं बताओ। अब मुझे आज भी याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दो सपने लिखे थे, बट वही वो पहले दिन और आखिरी दिन लिखा था, और उससे बेहतर पूरा हुआ है, बट वो पूरा नहीं हुआ है। वो पहले दिन मुझे मेरे आधी रात को क्या ही समझ में आता है, आधी रात को ये है कि चलो कुछ भी लिख लेते हैं। मैंने लिखा एक बाइक दिला दो क्योंकि ऑफिस जाना है, एक कार दिला दो क्योंकि बारिश के मौसम में कार में जाएंगे ऑफिस, इतना ही है बस, और कुछ चाहिए नहीं। फिर ऑब्वियसली उस दिन ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद मैं वापस आया, वापस आके दो तीन दिन के बाद फिर मैंने सीरियसली स्टार्ट किया ड्रीम लिस्ट लिखना, क्योंकि मेरे अपलाइन जो है वो मेरे पीछे लगे रहे, बैठे रहे आगे कि आप स्टार्ट करो लिखो, राइट। तो ऐसे लिखे, जब ऐसे लिखे देन लिखने के बाद, अब अभी मुझे याद है मैंने 22 चीज़ें लिखे थे 3.5 साल के अंदर बिजनेस में, उसमें से 19 टिक हो चुके थे, आउट ऑफ 22 19 ऑफ देम वर टिक्ड। क्यों, कैसे, क्या, आज तक मुझे पता नहीं चला, आज तक ये साइंस इसका गणित क्या है पता नहीं, बट लिखा था और ये हुआ है। मैंने सीक्रेट पढ़ा तो था, बट अगेन आज इन इंजीनियरिंग माइंड वैसे होता है, हमें लॉजिकल ये वो चाहिए कि नहीं, इंफॉर्मेशन ऐसे लॉजिकली प्रूफ करके दिखाओ कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, राइट, ये सारे चीजें मन में आते थे, बट एक्चुअल में वो पूरा हुआ ही है, ठीक है। अब जब स्टार्ट किया तो वेलकम में बहुत सारे चीजें बोला गया कि आपको लिस्ट लिखना है, नेम लिस्ट लिखना है, आपको ड्रीम लिस्ट लिखना है, और उसमें स्टार्टिंग बोले कि फेथ एंड बिलीफ किस किस के ऊपर होना चाहिए, प्रायोरिटी करना है, राइट। आपको, आप में से जितने लोगों का वेलकम हुआ होगा आपको समझ में आ रहा होगा, और इनकेस आप में से किसी का नहीं हुआ है तो डोंट वरी, आपको जब होगा आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर बोलते हैं वो 300 to 500 नाम लिखो, फिर उसमें बोलते हैं 20+ ड्रीम लिस्ट लिखो। जब ये इतने सारे चीज़ हो रहा था, मेरा बहुत टाइम तक ये कनेक्शन नहीं बना कि ये चाहिए क्यों। देन बहुत दिनों के बाद फिर मैंने एक दिन बैठा, मैंने बोला देखो ऐसा है कि सामने वाला जो बोला है वो मेरे से बेटर पोजीशन पे तो है, राइट। अब चाहे मैं 10 पे हूँ वो 11 पे है, एक स्टेप तो आगे है, इसका मतलब मुझे जितना तक आता है, राइट, जितना तक आता है उतना ही मुझे आता है, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जो इंसान मुझे बोल रहा है वो चाहे मेरे से कम पढ़ा लिखा हो, चाहे मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे मेरे से स्मार्ट हो, चाहे मेरे से कम स्मार्ट हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, ना, चाहे एजेड पर्सन हो, चाहे यंग किड हो, जो भी है, वो इंसान इसीलिए मुझे बोल रहा है क्योंकि वो एक स्टेप आगे है, राइट। और जब एक स्टेप आगे है और वही इंसान रेडी है मुझे हेल्प करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो बेहतर होगा मेरे लिए, राइट। तो ये सोच के मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट कर लिया कि नहीं फॉलो कर लेते हैं। और जब फॉलो किए, कभी ऐसा हुआ है कि कभी जिस हिसाब से किए वो हुआ नहीं, पर बहुत बार ऐसा हुआ कि हो गया, राइट। और जब होने लगा तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि नहीं, सुनने पे तो होता है, राइट। और जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस में, आप में से बहुत सारे स्टार्ट किए हैं, कुछ लोगों को 1 महीना हुआ होगा, 6 महीना हुआ होगा, 1 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा, डिफरेंट स्टेजेस में बिजनेस में हम सब ये सारे चीज देके जाते हैं, राइट, ये सारे चीज देके जाते हैं। अब आप सब स्टार्ट किए क्योंकि आप सब अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ किए होंगे, कोई मैनेजर रहा होगा, कोई नया नया ज्वाइन किया होगा, कोई अपने बिजनेस का ओनर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ फील्ड में आप ऑलरेडी होंगे, और सडनली यहाँ पे एक दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में आपको एक ऐसा इंसान मिला, राइट, एक ऐसा बिजनेस में प्रोसेस मिला जिसको बोलते हैं ये फॉलो करना है, तो पहले तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है ये हम ये क्यों फॉलो करेंगे। और ऊपर से हमारे बिजनेस का अगर बाहर रिसर्च करने जाएं, कि जैसे मैं बताता हूँ हमेशा, मैं आईटी में हूँ और मैं इतने साल इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मैं आईटी और मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तो कंप्यूटर के सारे चीजें तो मैं देखा हूँ,
तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, गूगल, यूट्यूब, ये वीडियो, वो वीडियो, हर जगह वीडियो देखे और बहुत सारे नेगेटिव भी देखे, राइट। और सोचो नेगेटिव वीडियो देखे ये लगता है कि यार यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। बट मैं अपने लिए एक चीज़ इम्प्लीमेंट किया हूँ और अपने लिए एक चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं मानने के लिए रेडी हूँ, जो भी यूट्यूब में बोल रहा है या जो भी गूगल में लिखा हुआ है या जो भी कोई मेरे रिलेटिव में, मेरे दोस्तों में जो भी बोल रहा है वो सब सही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे गलत सजेशन दे रहा होगा, राइट। सब सही बोलते हैं, राइट, हर वीडियो में सही बोलते हैं। बट पॉइंट ये है कि मुझे फॉलो किसको करना है, राइट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सब तो देते हैं बट फॉलो किसको करना है। तो मैं अपने लिए फॉर्मूला बनाया था, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, अभी मान लीजिए मेरा, मुझे डॉक्टर बोले कि हार्ट ऑपरेशन करना है, तो अगर हार्ट ऑपरेशन करना है तो मैं अगर मैं यूट्यूब पे जाऊं या गूगल पे रिसर्च करूं, गूगल में सब कुछ लिखा हुआ है कैसे हार्ट ऑपरेशन करना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, कैसे काटते हैं, कैसे लेटाते हैं, कैसे एनेस्थीसिया देते हैं, आप अगर देखोगे सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ उसका वीडियो भी है अगर आप सर्च करोगे। बट मैं अगर पर्सनली मुझे हार्ट ऑपरेशन करना है या तो कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो मैं उसको देख के मेरा जो क्लोज फ्रेंड है, क्लोज सर्कल है, उसको ये नहीं बोलूंगा कि भाई सुन तू ये यूट्यूब का वीडियो या तो ये गूगल में ऐसे लिखा है प्रोसेस, इस प्रोसेस को देख देख के तू मेरा ऑपरेशन कर ले। अगर मैं भी जाके बोलूंगा मेरे दोस्त को, या तो कोई आके अगर मुझे बोले, या मैं अपने किसी दोस्त को ये तो नहीं बोलूंगा, ये क्लियर है, राइट। अब ये क्यों नहीं बोलूंगा और मैं इसको क्यों बोलूंगा, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, जो एक्चुअली अपने करियर में एक्सपीरियंस्ड हो, जो अपने करियर में बहुत सारा ऑपरेशन किया हो, उसके आंखों के सामने से निकल गया हो सारे ऑपरेशन, उसी के पास ही हम जाते हैं। मैं भी उसी के पास जाऊंगा एंड आई एम श्योर आप भी सब लोग उसी के पास जाओ, राइट। क्यों? क्योंकि वो लाइफ एंड डेथ का सवाल है, राइट। तो बिजनेस में हम बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे चीजें इसीलिए कहीं ना कहीं ढूंढते हैं क्योंकि लाइफ एंड डेथ का सवाल है, हमें रियलाइज नहीं हुआ। वंस इट इज क्लियर कि ठीक है मैं सबका सुन लूंगा, सब मुझे अच्छा बोल रहे होंगे, सब मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे होंगे, सब मेरे भलाई के लिए ही बोल रहे होंगे, बट क्या वो एक्सपर्ट है? वो एक्सपर्ट है नहीं। अगर मैं उनका मानने के लिए रेडी हूं तो मैं यहां पे मानने के लिए रेडी हूं। तो पहला चीज ये है कि मुझे सुनना किसको है और फॉलो किसको करना है। तो ये मैं क्लियर था कि उसी को फॉलो करना है जो सक्सेसफुल है इसी फील्ड में, है ना, और इसी फील्ड में अच्छा किया है, इसी फील्ड में ग्रो किया है। और जरूरत नहीं है वो क्या बैकग्राउंड है, क्या पढ़ाई किया है, क्या भी पढ़ाई किया है, क्या फर्क पड़ता है भाई। लास्ट वीक नईम भाई पीडीएस लिए थे, राइट, अगर आपने सुना होगा उनको। तो ऐसे अगर एक सक्सेसफुल इंसान है तो वो जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जो प्रोसेस बोल रहे हैं, उन्होंने किया है ये चीज, राइट, उन्होंने किया है, अचीव किया है, उसके बाद बोल रहे होंगे, राइट। तो उसी को फॉलो करना है, राइट? तो पहला जो फॉलो का शुरुआत जो होता है वो वहां से होता है कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूं और किसको फॉलो कर रहा हूं और किसका क्या फॉलो कर रहा हूं। नहीं तो अब मान लीजिए आपने देखा, आप देखे नईम भाई को, देखे उनके कपड़े, देखे बस कपड़े फॉलो किए, बट वो जो किए हैं वो फॉलो करना है, राइट। और आप जैसे मान लो आप विजेश भाई को देखे, आप अपने अपलाइन को देखे, अर्पित भाई को देखे, किसी भी अपलाइन को अगर आपने देखा, जो चीज वो किए हैं इसी स्टेज पे उसी चीज को फॉलो करना है, राइट। और हर स्टेज में आपके बिजनेस में ऐसे आएंगे और आपके पास ऐसा कोई इंसान रहेगा जिसको आपको फॉलो करना है, और उसमें भी क्या फॉलो करना है ये आपको ये समझदारी चाहिए, राइट। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊं, राइट। तो अब ये करने के लिए क्या चाहिए? अब पहला चीज इसमें कि मैं इनको सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं। अच्छा, बहुत बार अभी जैसे पीडीएस चल रहा है, बहुत बार सिस्टम चल रहा है, आप में से बहुत सारे लोग, मैं श्योर हूं आप ऐसे बैठ के ऐसे सुन रहे हैं, है ना, ऐसे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे, इंटरेस्ट देके सुन रहे होंगे कि पोस्टर के साथ, कुछ लोग नोट बना रहे होंगे, है ना, कुछ लोग तो स्माइलिंग चेहरे के साथ सुन रहे होंगे, कुछ लोग बिल्कुल जीरो रिएक्शन में सुन रहे होंगे, राइट। अच्छा, वो एक चीज है सुनना
और चीज है कि दूसरा चीज सुन के उसको इम्प्लीमेंट करना, राइट। मैं उसमें बोलते हैं कि हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। अगर मैं खाली सुन रहा हूं तो बस चल रहा है, वो साउंड ही है मेरे लिए। जैसे अभी पीडीएस चल रहा है, आप बस खाली ऐसे बैठे हो और ऐसे देख रहे हो, खाली वो आपके कान में वो चल रहा है, राइट, आपके कान में बज रहा है। तो वो जैसे हो ना कि गाने की तरह, आपके घर में गाना बज रहा है, आप कुछ काम अपना कर रहे हो, वो गाना ऐसे बैकग्राउंड में चल रहा है, राइट। जैसे आप रास्ते में हो और रास्ते में बहुत सारे गाड़ियां जा रही हैं, बहुत सारे नॉइज हॉर्न मार रहे, तो आपका ध्यान हर तरफ नहीं है, राइट। तो वो बस हियरिंग चल रहा है। एक्चुअल में चाहिए क्या इसमें सुनने के लिए, क्या पहले तो किसको सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और जो भी चीज सुन रहे हैं वो खाली हियरिंग है या लिसनिंग है। अब लिसनिंग में क्या है, आप उसको सुने, प्रोसेस किए, उसको इम्प्लीमेंट किए, है ना। सुने, प्रोसेस किए आपके दिमाग में कि जो बता रहे हैं, अच्छा ऐसे 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 बता रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा हुआ था, इनके साथ ऐसा हुआ था, तो ऐसे ऐसे अगर मैं करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। जो भी आप सुने उसको प्रोसेस किए दिमाग में, फिर इम्प्लीमेंट भी किए, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंट करना, खाली सुनना नहीं, इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नहीं तो खाली सुने, अगर खाली सुने तो लास्ट पीडीएस भी वही था, इस बार का पीडीएस भी वही होगा, अगली बार का पीडीएस भी वही होगा, अगली बार का पीडीएस भी वही होगा। तो इसमें खाली पीडीएस में ना अटेंडेंस लगेगा, और फिजिकल अटेंडेंस लगेगा। हम बोलते हैं कि 208 सिस्टम 208 विसल लगातार, इसमें एक चीज जो है वो ऐड करना है, 208 सिस्टम 208 विसल लगातार, फिजिकली एंड मेंटली, फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली प्रेजेंट। ऐसा नहीं खाली मैं फिजिकल प्रेजेंट हूं, कोई चल रहा है मैं कुछ सुन नहीं रहा हूं, राइट, या तो बस कान में बज रहे हैं बट मेरा प्रोसेसिंग कुछ और चल रहा है, मैं उस टाइम पे कुछ और सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे रात को कहीं खाने जाना है, रात को कहीं कुछ और करना है, मेरा कल सुबह का ये प्लान है, कुछ नहीं। आप सबको एम्प्टी कप किया गया होगा ना, इट इज ओनली लिसन दिस प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंट। आप अपने लिए सोचना कि आप अपने लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। तो जब मेरे साथ ये हो रहा था, अब इंजीनियरिंग में क्या है, हम लोग बहुत सारे काम करने में माहिर है, राइट, क्योंकि हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, यहाँ मोबाइल भी चल रहा है, यहाँ गाड़ी भी चला रहे हैं, यहाँ कुछ और चल रहा है, वो हर काम में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। बट इस बिजनेस का रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट ये है कि आप सुनना, प्रोसेस करना, इम्प्लीमेंट करना। बहुत दिनों तक इसीलिए मुझे स्ट्रगल हुआ कि बस खाली बैठे हैं और खाली सुन रहे हैं, और जब भी इसको सुना, प्रोसेस किया, इम्प्लीमेंट किया, तब रिजल्ट आ गया। फिर से उसके बाद जब बंद कर दिया, तब उसके बाद फिर से रिजल्ट चला गया, राइट। अब ये कैसे होता है नहीं पता, बट ये काम तो करता है ऐसे ही, ठीक है। अब अगर मैं ये कर दिया, देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं स्टार्ट करूंगा क्या ना, फॉलो करना स्टार्ट करूंगा, राइट। अच्छा, जब मैं फॉलो करना स्टार्ट करूंगा, मैंने आपको क्या बताया कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, राइट, कौन सा इंसान है। वो इंसान में आपके तीन लेवल के अपलाइन होंगे, आपके को वर्किंग अपलाइन होंगे, उनके वर्किंग अपलाइन होंगे, उनके वर्किंग अपलाइन होंगे, टिल योर आईएसबी अपलाइन और योर वी एम्बेसडर अपलाइन, राइट। तो वहां तक आपका क्या है, वहां तक आपके कम्युनिकेशन में अगर आप रहे, अगर आप ये तीनों को सुने, तो फिर आपका क्या है, ये तीनों के बातों के साथ आप अलाइंड हो, और उसके हिसाब से आप इनको सुने, प्रोसेस किए, इम्प्लीमेंट किए, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग इन अ करेक्ट वे। नहीं तो बहुत टाइप के फॉलो करते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के फॉलो करते हैं, राइट। नाउ इन माई लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ जर्नी, जितने लोगों को मैं देखा हूँ, या मैं अपने लिए ही बताऊँ, मैं खुद ही इसमें बहुत बार किया हूँ, इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बी 10 ईयर्स, अभी भी कभी कभी ऐसे होता है, बट बात यह है कि जब भी ऐसे होता है ना, तो रिजल्ट बस नहीं आता है, बाकी सब होता है, रिजल्ट नहीं आता है, राइट। एक टाइप के क्या होते हैं, अब कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जो फॉलो करते तो हैं, बट वो पता है कैसे फॉलो करते हैं, वो खाली कि जो बोले वो कर दिए, राइट, अपने तरफ से इनिशिएटिव कुछ नहीं कि मैं बस ऐसे ही बैठा रहूंगा, हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, ये हाथ उठाओ, ये हाथ नीचे करो, गर्दन घुमा, ऐसे जो आप बोल रहे हो मैं बस वही कर रहा हूँ। आप बोले बुक पढ़ो, बस पढ़ ली, अब पढ़ा लेकिन प्रोसेस किया, इम्प्लीमेंट किया वो नहीं, खाली पढ़ ली, वीडियो देखना है वीडियो देख लिए,
क्या बोल रहा हूँ सुनना नहीं है, क्योंकि मुझे बोला है ना देखना है बोल के, बस देख लिए राइट। बोले पीडीएस अटेंड करना है, बस अटेंड कर लिए। विशल अटेंड करना है, अटेंड कर लिए खाली। तो हर जगह खाली प्रेजेंस है, फिजिकल बॉडी प्रेजेंट है बस राइट। अब ये कैटेगरी में क्या है, ये लगता तो है कि मैं फॉलो कर रहा हूं बट एक्चुअल में फॉलो नहीं हो रहा है राइट। तो होता है वो सीप काइंड ऑफ फॉलोअर, कि जैसे वो सारे एक जा रहा तो सारे बस हजार हजार उसी डायरेक्शन में जाए जा रहे हैं राइट। अब क्या बोला जा रहा है उसको प्रोसेस नहीं किया, बस खाली हर जगह प्रेजेंट है राइट। अब ये फॉलोअर करके क्या होगा, ऐसे काइंड अगर है तो आप अपने लिए या अगर आपके टीम में कोई है, कंटिन्यूअसली आपको आपके अपलाइन के जोन में रहना है और कंटिन्यूअसली आपको कोई मॉनिटर करना चाहिए, कोई हमेशा रहेगा जो आपको बताएगा कि ये किए, ये दो स्टेप किए, ये चार स्टेप किए, ये पांच स्टेप किए। शुरुआत में ऐसे होता ही है, इसलिए आप देखे होंगे जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, आपके अपलाइन हर चीज के लिए पूछे होंगे, लिस्ट बनाए, इतना लिस्ट हुआ, इसको कॉल किए, इसके साथ बात हुआ, इसको प्लान दिखाया, इस प्लान का क्या हुआ, लोन का क्या हुआ, ये एप्लीकेशन का क्या हुआ, वो एप्लीकेशन कहाँ हुआ, क्योंकि हर चीज में फॉलो करना जरूरी है राइट। ये एक कैटेगरी है। एक काइंड होते हैं वो हर चीज में क्या है, वो यस है। अब यस है बट यस एक तो होता है, अगेन मैंने आपको बताया ना कि यस में भी मैं बोल रहा हूं कि हाँ, अगेन प्रोसेस कर रहा हूं, अगेन इंप्लीमेंट कर रहा हूं, या तो मैं खाली बोल रहा हूं यस भाई, ओके गाइस सो हम इस बार L1 करेंगे यस भाई, L2 करेंगे यस भाई, L3 करेंगे यस भाई, सेंचुरी करेंगे यस भाई, बस यस भाई इतना ही है। अब खत्म हुआ हो, उसके बाद कुछ इंप्लीमेंट नहीं किए, फिर अगले दिन अपलाइन फोन किए, अपलाइन पूछे कि भाई इस बार दो साइन अप करें, यस भाई करेंगे बट इंप्लीमेंट नहीं किए। बोले कि भाई बुक पढ़ना है, हाँ भाई बिल्कुल पढ़ेंगे, बस रुक गए। फिर बोले भाई पीडीएस आना है, यस भाई करेंगे। फिर बोलेंगे भाई वीकॉन में चार साइन अप लेके आना है, यस भाई लेके आएंगे, बस इतना ही है, यस भाई। भाई भाई प्लान दिखाना, इस बार दो प्लान भाई पक्का दिखाएंगे, यस भाई बिल्कुल दिखाएंगे, बट फिर नहीं दिखाया, बट खाली बोलेंगे लिए यस भाई, यस भाई, जी भाई, जी भाई बिल्कुल करेंगे राइट। आप में से कौन कौन L1 कर सकता है, आप L1 कर सकते हो, जी भाई बिल्कुल करेंगे। बट देन उसके बाद अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो ये यस भाई और जी भाई का कोई फायदा नहीं है, वो पूरा वेस्ट है राइट। देन उसके बाद आते हैं जो इसीलिए करते हैं, इसीलिए फॉलो करते हैं और इसीलिए पीडीएस आते हैं, इसीलिए वीसेल आते हैं, इसीलिए बुक पढ़ते हैं और इसीलिए कोई भी काम करते हैं, क्योंकि उसमें कमी निकालनी है। ये कैटेगरी में मैं बहुत रहा हूँ राइट। पीडीएस सुने, ठीक है, जैसे कि आज एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि पीडीएस अभी चल रहा है, पीडीएस सुने तो अभी सुन के ये सोच रहे हैं अच्छा ये तो ठीक है बोले, बट बीच में ना थोड़ा जवान लड़खड़ा रहा था, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा, इंग्लिश इतना ठीक नहीं था, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आगे पीछे कर रहा था, बैकग्राउंड थोड़ा और बेटर हो सकता था राइट, कि वाइट के पीछे वाइट क्यों पहना है, कुछ और कलर हो सकता था राइट। बहुत सारे चीजें ऐसे फिगर आउट कर रहे होंगे कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हर चीज में फॉल्ट ढूंढ तो रहे हों, बट अगर इनको ये पूछा जाए कि ठीक है ये नहीं करना तो क्या करना चाहिए आप बताओ, नहीं होता सोल्यूशन, कि मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं गलती बता दिया राइट, आई वेटिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें अगेन कि सुनते हैं इसीलिए क्योंकि कुछ पॉइंट ऐड करना है, क्योंकि कुछ कमियां निकालना है, इसीलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि सुने, प्रोसेस किए और इम्प्लीमेंट किए, सुने, प्रोसेस किए और अपने ग्रोथ के लिए इम्प्लीमेंट किए,
सुने, प्रोसेस किए और अपने टीम के ग्रोथ के लिए इम्प्लीमेंट किए, राइट। ये नहीं, इसीलिए सुने प्रोसेस नहीं किए, अपने प्रोसेस जो चल रहा था उसी में से कुछ डेटा और फैक्ट कुछ निकाले, इसी में ऐड किए और जाके अपने टीम में अलग से नॉलेज दिए, राइट। और इसमें कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे सुन रहे होंगे, इसीलिए सुन रहे होंगे और इसीलिए प्रेजेंट हुए होंगे क्योंकि उनको देखे इसको रिकॉर्ड करना होता है और वीडियो में डालना होता है, वो यूट्यूब में डालना होता है, क्योंकि उसमें कुछ व्यूज आएगा। ये कोई फायदा नहीं देगा आपको, राइट, कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, इसको मैं क्या करूंगा, बहुत अच्छा सिस्टम है। देखो हम लोग, हम में से जितने लोग भी आते हैं ना पीडीएस, कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है, राइट। इसको लेके वीडियो लेके इसमें यूट्यूब में डालेंगे, चैनल बनाएंगे एक, उसमें बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा, ये सब चक्कर में नहीं जाना है, राइट। आई नो आप में से कुछ लोग ऐसे भी कर रहे होंगे, अगर आप कर रहे हो तो मत करना क्योंकि आपको हेल्प नहीं करेगा, राइट। और नेक्स्ट थिंग क्या है, हर चीज को जज कर रहे होंगे और फॉलो तो कर रहे होंगे, इसीलिए फॉलो कर रहे होंगे, इसीलिए सुन रहे होंगे क्योंकि जज करना है, क्योंकि कुछ कमी निकालनी है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐड करना है, क्योंकि अपना कुछ बताना है, क्योंकि इससे कुछ पॉइंट लेके अपना कुछ पॉइंट ऐड करके मॉडिफाई करके उसका हाइब्रिड मॉडल टीम में देना होता है। कुछ नहीं करना होता ऐसा, है ना, जैसा है वैसा ही देना है, करेक्ट। नेक्स्ट कैटेगरीज जो फॉलो करते तो हैं, बट सर्वाइवर काइंड, राइट। सर्वाइवर काइंड क्या है कि वो सेफ पसंद करते हैं हमेशा, कि अगर अपलाइन बोला है कि सुनो तीन प्लान दिखाना है, देन दे विल फॉलो एवरीथिंग व्हाट एवर अपलाइन इज सेइंग। अगर अपलाइन ने बोला कि भाई इस बार चार प्लान दिखाना है, क्योंकि बस इनके कंफर्ट से थोड़ा बाहर चला गया, इनके कंफर्ट से थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये नहीं करेंगे, राइट। मतलब दे आर इन वेरी मच सेफ जोन, राइट। कि अपलाइन बोला है कि भाई L1 करना है, यस करेंगे। अपलाइन बोले अगर L2 करना है इस बार, देन वो नहीं करना कि नहीं 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 इतना ज्यादा नहीं कर सकते, दो प्लान ठीक है, तीन प्लान नहीं हो सकता, राइट। मतलब ये फॉलो करते तो है, बट अपने जो बैरियर है उसी बैरियर के अंदर, अपना जो गोला है जिस कंफर्ट में है उसी के अंदर ही फॉलो करते हैं, उसी के ऊपर अगर जाना है तो वो वाले फॉलो नहीं करते, राइट। जैसे बिजनेस स्टार्ट किए कि आप सबको बोला गया होगा कि 20-22 घंटे बिजनेस में देना है, तो एवरेज 3-4 घंटे का एवरेज है मान लो, तो अगर 4 घंटे हैं तो इनका क्लॉक चलता होगा कि 4 आवर्स स्टॉप पर चल रहा है, 4 आवर्स हो गया देन बंद, राइट। और 4 आवर्स हर किसी में जाता है, जाता है कि नहीं नहीं हम पीडीएस अटेंड किए, जब से बैठे हैं तब से 4 घंटे, 4 घंटे हो गया तो चाहे पीडीएस खत्म हुआ है नहीं हुआ बंद, राइट। या अगर उससे ज्यादा हो गया तो बंद, कुछ उसके बीच में उससे ज्यादा हो गया बंद कि नहीं नहीं भाई मैंने तो 4 घंटे बोला था, 4 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं दूंगा, राइट। दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर द लैक ऑफ कमिटमेंट, कि वो इस चीज से डरते हैं कि इन्हें कमिट नहीं कर सकते कि हाँ भाई इस बार ना मैं इस वीक अपना बुक जो है वो कंप्लीट कर लूंगा। वो पीडीएस के बाद डिसीजन लेते तो हैं, बट वो डिसीजन को कमिट नहीं करते हैं, राइट। दे आर नॉट कमिटेड टू दैट डिसीजन, राइट, कि मैंने आज डिसीजन लिया कि इसमें इस बार मैं 5 प्लान दिखाऊंगा, बट आई एम नॉट कमिटेड टू दैट डिसीजन, बट आई एम प्लेइंग सेफ। देन फिर अपने मन में बोला तो मैं 5 प्लान दिखाऊंगा, बट मेरे मन में ये चल रहा है कि मैं 5 लोगों को एक फोन घुमाऊंगा, 5 के 5 ओपन होंगे तो ठीक है, अगर 5 में 2 ओपन नहीं है तो मैं क्या करूँ, 3 ही दिखाऊंगा, अगर 5 के 5 कोई ओपन नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं 5 लोगों को बस डायल कर लूंगा, गेटिंग। सो दिस काइंड इज प्लेइंग सेफ ऑलवेज, और ये नियम है बिजनेस का, अगर हम हमेशा सेफ 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 ऐसे बिजनेस करते रहेंगे तो वो उसी से ऊपर लेवल पे तो नहीं जा पाए, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं आप ये ले लो कि नहीं टारगेट रखो, आपके टीम में 2 लोग हैं, आप टारगेट रखो कि नहीं नहीं मैं तो सेंचुरी कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन जायदाद भेजना पड़ेगा, सेंचुरी करूंगा मैं, ये नहीं करना है, राइट। यू शुड अंडरस्टैंड आपका जो लिमिट है उसके ऊपर के लिए पुश करना है, राइट।
ऊपर क्लियर नहीं रहा तो हमेशा इसी जोन में हम रहेंगे कि सेफ खेलेंगे, राइट। और दिस काइंड ऑफ फॉलोअरशिप कि मेरे लिमिट के अंदर ही मैं फॉलो करूंगा, उसके बाहर का फॉलो नहीं करूंगा, फिर आपको एक लेवल तक रखेगा, उसके ऊपर नहीं जाने देगा। जो एक्चुअल में चाहिए, जो लोग आज के डेट में आप सुने होंगे, राइट, जो लोग आज के डेट में बहुत ग्रो किए हैं, राइट, चाहे वो अर्पित भाई हो, अपार भाई हो, सालू मैम हो, रफीक भाई हो, नईम भाई हो, यशु मैम हो, ब्रिजेश भाई हो, जितने भी वी एम्बेसडर्स है, जितने भी आप देखे होंगे, जितने डायमंड स्टार है, जितने प्लैटिनम स्टार है, जितने आपके अपलाइन है, जितने लोग ग्रो किए हैं और जितने लोग आप देखे हो सक्सेसफुल है, वो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, दिस काइंड ऑफ फॉलोअरशिप, उनका फॉलोअरशिप क्या है, उनका फॉलोअरशिप टूवर्ड्स द गोल, राइट। आप कैसे एग्जाम्पल कीजिए, मैं हूं, मेरे टीम में मान लो आप हो, ठीक है, आप पांच लोग मेरे टीम में, तो हम, मैं और मेरे पांच लोग, हम छह लोगों का हमारा एक कॉमन गोल है और हम हर कोई उसी गोल के लिए काम कर रहा है, राइट। और जब हम एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो उसमें ये नहीं कि उसने मुझे क्यों ऐसे बोला, ये क्यों ऐसा किया, ये चीज आएगा ही नहीं, क्योंकि पता है कि कॉमन गोल है। जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी काम हम नहीं कर रहे हैं, क्या ये कॉमन गोल को, जो हमारा टीम का गोल है, इसको अचीव करने में हेल्प कर रहा है, तो अगर कर रहा है तो करना ही है, अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो वो नहीं करना है, बात सिंपल है, राइट। अगर ये हमारा क्लियर रहा तो हम छह लोग मिलके एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, राइट। और उसमें वन पर्सन विल बी लीडिंग, जो अपलाइन है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो लीड कर रहा है, बाकी पांच लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं विद अ थॉट कि हमारा टीम का गोल अचीव होगा। ये थॉट नहीं कि नहीं बस ये बोल रहा है तो हम सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जो भी सोचना देखना, जब प्लानिंग चल रहा हो उस टाइम पे ही सारा देखना, ठीक ठीक है, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, हम पांच लोग इतना इतना करेंगे और हमारा टीम का टारगेट रहेगा मान लो L3, L3 में हम पांच लोग हैं, हर कोई दस 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 यूवी करेगा, हर कोई दस दस प्लान मान लो दिखाएगा अपने अपने टीम से, राइट। इस तरीके से हम करेंगे। इसमें अगर मान लो एक आदमी बोले कि नहीं नहीं मैं क्यों दिखाऊं दस, उसका फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा, सबका फायदा होगा एट द एंड ऑफ द डे, किसका ज्यादा फायदा होगा, किसका कम फायदा होगा, किसका ज्यादा नुकसान, किसका कम नुकसान, अगर इसी चक्कर में रहे तो क्या होगा एट द एंड, गोल जो है वो अचीव नहीं होगा। तो जब गोल अचीव नहीं होता है उसमें एक इंसान का नुकसान नहीं होता, उसमें हर किसी का नुकसान होता है, राइट। तो कोई भी चीज अगर हम आज अ टीम ये कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं अपने अपने घर से कचरा निकाला, मेरे पड़ोसी के घर के सामने रख दिया, तो अगर उसमें जो बीमारी फैलेगी वो मेरे पास भी तो आएगी, आप समझ रहे हो। तो इट इज नॉट अबाउट कि मेरा तो अपना बस ठीक हो जाए, देन इट इज नॉट अ टीम गोल, देन इट इज नॉट अ टीम वर्क, देन इट इज नॉट अ बिजनेस हैपनिंग एज अ टीम। एक टीम की तरह एक बिजनेस नहीं हो रहा है, एक कॉमन गोल की तरह नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल चल रहा है कि मैं अपना देखूंगा, तुम अपना देखना, तुम अपना देखना, तुम अपना देखना, तुम अपना देखना, जो हम अपने जॉब में करते हैं, कि जॉब में हमें कोई मतलब है नहीं, मैं अपने सैलरी है मेरा, मुझे मेरा जो काम असाइंड है वो मैं कर रहा हूँ बस। तो देयर इज नो टीम गोल, राइट। तो जब ये टीम गोल होता है तो वो फॉलोअरशिप जो है ना वो स्ट्रांग होता है, राइट। अभी जैसे कि अभी आज अगर आपको पता होगा, आज लंदन में QSP चल रहा है, राइट, लंदन में देयर इज अ QSP हैपनिंग, क्यूनेट के हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जहां पे चीफ भी आ रहे हैं, हमारे सबके अपलाइन भी आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है, टीम गोल है एक, कि एक टीम है जो पूरा एक साथ गए हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, अब वो लंदन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाने के लिए वो गए हैं, एंड दैट इज द मैच्योरिटी दे हैव, और इसी मैच्योरिटी के साथ काम करें, और इसीलिए वो सारे लोग, आप जितने लोग देखोगे वहां पे गए, वो सारे सक्सेसफुल लोग हैं, सारे अच्छे किए होंगे, आप सब जानते ही हो उनको, राइट। अगर मान लो उनमें से कोई ये सोचे कि नहीं नहीं मेरे तो मेरे चार लोग कम है, मेरे 50 है, तुम्हारा 45 है, तो 50 वाला जो है वही जाए, 45 मेरा तो कम है ना, तुम जाके देख लेना, देन ये गड़बड़ जाएगा, राइट अमाउंट। तो एक टीम गोल है, तो एक कुछ टीम है जिनको डिसाइड किया गया कि मान लो ये लोग जाएंगे,
मिलके वहां पे क्यूएसपी करेंगे, तो हर कोई लग गए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, किसी को आया वेन्यू देखेंगे, किसी को आया कि पार्टिसिपेंट का संभालेंगे, किसी को आया कुछ और चीजों का देखना है, किसी को आया कुछ फूड का देखना है, किसी को आया कौन कौन सेशन लेगा, ये सब चीजें मिलके एक सक्सेसफुल इवेंट बना लंडन क्यूएसपी। सेम तरीके से अभी आ रहा है आपका वीकॉन आ रहा है, राइट, वीकॉन आ रहा है, एक महीने के बाद वीकॉन है, इसमें भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट, और इसमें अगर हम सब मिल जाए तो आज अ टीम, आज अ होल, बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी होगा ये। बट अगर हम अलग अलग हो गए तो जो सक्सेस स्टोरी है ना वो कुछ लोगों का होगा, और जो भी होगा वो कुछ लेवल तक होगा, बड़ा लेवल तक नहीं हो पाएगा। और जो इस काइंड के फॉलोअर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, दे अंडरस्टैंड कि अगर आज मैं फॉलो किया, अगर मैं टीम गोल के लिए पार्ट लिया, टीम गोल के लिए पार्टिसिपेट किया, तो मेरे टीम गोल भी धीरे 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 बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा टीम का गोल है L3, या तो मेरे टीम का गोल अगर सेंचुरी है, 100 भी इन अ वीक करना है, तो अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें से कोई एक पर्सन होगा ना जिसका L3 हो जाएगा, लाइक 85 इन अ वीक हो जाएगा, उसमें से कोई दो लोग होंगे जिनका L2 हो जाएगा, 30 भी इन अ वीक हो जाएगा, दो लोग या तीन लोग भी होंगे, राइट, उसमें से कुछ और 5-7 लोग होंगे जिनका L1 हो जाएगा, 10 इन अ वीक हो जाएगा, उसमें से कुछ और लोग होंगे जिनका 1 साइन अप हो जाएगा, उसमें से कुछ और लोग होंगे जिनका 1 चेक बन जाएगा, उसमें से कुछ और लोग होंगे जिनके कुछ नहीं हो रहा था, 2 प्लान होंगे। तो आज अ टीम इट इज 100 UV, आज अ टीम इट इज डूइंग सेंचुरी, बट एट द एंड ऑफ द डे हर कोई जिस लेवल पे भी है, जिस स्टेज पे भी है, वो एक लेवल ऊपर गया ना, और हुआ कैसे, इफेक्टिव फॉलोअरशिप से, राइट, जब टीम गोल है और उसी के लिए फॉलो कर रहे हैं तो देन ये होगा। बट अगेन फॉलो, जैसे मैंने आपको बताया कि किसको फॉलो करना है, फॉलो उसी को करना है जो पहले ये गोल लेके चल रहा है, राइट, गोल लेके चल रहा है और जो आपके साथ लगा हुआ है, बेसिकली आपके वर्किंग ग्रोइंग अपलाइन जो है, राइट, वर्किंग ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव वर्किंग ग्रोइंग, एक्टिव वर्किंग से है, तो वर्किंग एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, उसी को फॉलो करना है। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि जब हम किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसी फील्ड में बेहतर कौन किया है, उसी फील्ड में हमसे बेहतर कौन किया है, राइट, अब हमसे बेहतर जो किया है उसी को फॉलो कर लेते हैं, राइट। अब ये प्रोसेस में क्या होगा, देन आपके जो थिंकिंग जो है वो डेवलप होगा ऑटोमेटिकली। जैसे अगर सेंचुरी करना है तो आपके में आया कि ओके सेंचुरी करना है, मेरा कंट्रीब्यूशन L2 का हो, देन मैं जाकर अपने प्लेयर के पास जाऊंगा, मैंने कहा कि भाई L2 करना है, 30 भी मेरे इतने प्लान हुए हैं, मेरे ये लोग हैं मेरे पास, इनका यहां तक कंप्लीट हुआ है, इनका यहां तक कंप्लीट हुआ है, और क्या करने से मेरा L2 हो पाएगा। तो आप इसीलिए जाओगे क्योंकि आपको कंट्रीब्यूट करना है उसमें, और आपको वो टीम गोल के लिए काम करना है। आप इसलिए नहीं जाओगे कि नहीं मुझे तो किसी ने पूछा नहीं, मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, राइट, मुझे 4 पूछेंगे, मेरे पास तो है बट मैं बताऊंगा नहीं इतने आसानी से, मेरे पास 2 साइन अप कन्फर्म है बट इनको तो लग रहा है ना कि मेरे बिना कर लेंगे, तो ये करने दो, मैं अपना नहीं बताऊंगा, ये सब चीजों में नहीं जाना है। देन क्या होगा, हो सकता है आपके बाद में हो जाए, आप अपना कुछ कर लो, बट जो एक्चुअल फॉलोअरशिप है और जो इस बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो सिस्टम बिल्ड करने का, वो फुलफिल नहीं होगा और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और जब मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा किसी चीज में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मेरे टीम कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राइट, गेटिंग। तो जो फॉलोअरशिप की बात मैं कर रहा हूं, तो उसी तरीके का फॉलोअरशिप करना जिसमें टीम गोल जो है, जो कॉमन गोल है, वो अचीव होगा, राइट। और जब हम एक साथ मिलके एक टीम गोल के लिए एक ही साथ फॉलो करते हैं, और टू द राइट पर्सन, टू द राइट वैल्यूज, टू द राइट थिंग, टू द राइट प्रोसेस, टू द राइट सिस्टम, राइट लर्निंग, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अच्छे टाइम पे तो अच्छा होता ही होता है, जब क्रिटिकल सिचुएशन आता है, जब टाइम खराब भी होता है, राइट, मैं तो खराब टाइम मानता नहीं हूँ। टाइम है कि एक तो इजी एग्जाम, डिफिकल्ट एग्जाम, जैसे हमारे अपलाइन बोलते हैं ना, विजय सर बोलते हैं ना, इट इज जस्ट एन एग्जाम, तो ये तो इजी एग्जाम है, डिफिकल्ट एग्जाम है ना, कि
लो कोई एग्जाम हो गया या तो आईएएस लेवल का एग्जाम हो गया, उस लेवल का उस हिसाब से मानता हूं। तो क्रिटिकल से क्रिटिकल एग्जाम भी आज अ टीम हम पार कर लेते हैं। अब कैसे होता है ये मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आई विल शो यू अ वीडियो। जो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब टीम एक साथ काम कर रही हो, जब सबका गोल एक साथ क्लियर हो और सबको पता है कि अगर हम साथ मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे, और जब इंस्ट्रक्शन एक का होता है और जब इसी सोच के साथ कि हम टीम गोल के लिए काम कर रहे हैं, इसी सोच के साथ जब वो फॉलो करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है और कैसे हम बड़े बड़े चीजों को आसानी से अवॉइड कर लेते हैं और आसानी से हम जीत जाएंगे, दैट इट विल शो यू इन दिस वीडियो। इट इज जस्ट अ कार्टून वीडियो। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप अपने टीम के हिसाब से ये सोचना कि हमारा टीम अगर ऐसे कर ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं और क्या क्या अचीव कर सकते हैं। आप ऐसे सोच के साथ इस वीडियो को देखना, आई विल शेयर यू दिस वीडियो। ओके, राइट। तो अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, मुझे जो समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये समझ में आया कि साथ में कर रहे थे कोई काम और उसमें कुछ चैलेंज आया, कुछ प्रॉब्लम आया। दो ऑप्शन था, एक तो जिसके पास प्रॉब्लम आ रहा था बाकी बोलते थे कि भाई देखो प्रॉब्लम आ रहा है, भागो 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 भागो, या जैसे डिसाइड किया किसी ने, डिसाइड किया जो लीडर है इनका, वो डिसाइड किया कि देखो वॉट एवर इट इज लेट्स बी टुगेदर, और एक साथ जब रहे और उसी को जब सबने फॉलो किया तो उसका रिजल्ट आप देखो, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी वो अवॉइड कर लिए। तो जब हम फॉलो करने लगते हैं किसी चीज को तो इसका रिजल्ट बहुत शानदार हो जाता है, जब हम एक साथ एक ऑब्जेक्टिव एक गोल के लिए फॉलो करते हैं। राइट, अब जैसे हम लोग अभी नया मंथ स्टार्ट हुआ है, राइट, ऑगस्ट मंथ स्टार्ट हो गया एज पर क्यूनेट कैलेंडर मंथ नंबर 8, और इसमें ये मंथ बहुत क्रूशियल मंथ है, राइट, क्योंकि इसके बाद जो सितंबर आएगा, सितंबर मंथ में आपका स्टार्ट हो जाएगा वीकॉन, जो कि हमारा 8th सितंबर से 12th सितंबर तक है, राइट। और ये वीकॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यू विल सी द एक्चुअल सोर्स कि हमें जो चीज सिखाया जा रहा है, जो चीज बताया जा रहा है, वो मेन सोर्स से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आपका फॉलोअरशिप के लिए आपको और भी आसान हो जाएगा, और आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे जो कि कंपनी का नींव जो है, पूरे बुनियाद जो है उसी शुरुआत किए हैं, वो फाउंडर ऑफ द कंपनी, उन्हीं के साथ डायरेक्टली बात करने का भी मौका मिलेगा, और चीफ रेगुलर आएंगे, रोज रोज चीफ से सुनने का मौका मिलेगा, सारे वी पार्टनर, सारे एक्सपीरियंस लोग कंबाइन अगर किया जाए, पता नहीं कितना 300-400 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने रहेगा, जहां पे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये एक्चुअल में सक्सेसफुल लोग हैं जिनको मुझे फॉलो करना चाहिए, और मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, किस चीज को मुझे फॉलो करना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आएगा। एक बार आप वीकॉन गए और आपको अगले 6 महीने के लिए, अगले 1 साल के लिए आपको चीजें समझ में आ जाएगा, और पता नहीं उस वीकॉन में क्या रिजल्ट आ पाए, क्या रिजल्ट आ सकता है उसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट।
कि क्या कितना हो सकता है, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा कि क्या हो सकता है, राइट। स्टोरी ये है कि साल है 2012, ठीक है, जो वीडियो में दिखाने वाला हूं आपको, अगला वीडियो वो 2012 का है। मैं 2012 का इसीलिए चूज किया हूं क्योंकि 2012 साल है, उसमें से हमारे जितने अप्लायंस है उसमें से चार ऐसे लोग हैं, राइट, ऐसे चार लोग हैं जो गए थे इस वीकॉन में और आज के डेट में इन दिस 10-11 ईयर्स, ये 11 साल के अंदर ये वही लोग हैं जो इस बिजनेस में दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। आप सब जानते हो उसको, आप उन सबको आप जानते हो। पहला हम सबके अपलाइन एसोसिएट वी पार्टनर ब्रिजेश यादव, ब्रिजेश भाई थे उसमें। दूसरा एसोसिएट वी पार्टनर यशु मैम, राइट। तीसरा वी काउंसिल अपार मलिक। फोर्थ इज वी काउंसिल अर्पित मलिक। चार लोग थे टोटल, राइट। अब मैं इस चीज को आपको ऐसे देखने के लिए बता रहा हूं, ये चार लोग पहली बार गए थे, राइट। अब आप आज के डेट में आप अकेले हो, आपके टीम में लोग है, आपका अकाउंट है, ठीक है, बट अगर अभी से आप डिसाइड किए कि आप हो और आपके साथ बिफोर वी कॉन तीन लोग और साइन अप करना है, ठीक है, तीन लोग और साइन अप करना है और उनको वी कॉन लेके जाना है, इसी थॉट के साथ ये तीन लोग मेरे यशु मैम बन सकते हैं, मेरे अपार भाई बन सकते हैं, अर्पित भाई बन सकते हैं, मतलब कंसिडरिंग आप अपने आप को ब्रिजेश भाई की तरह मानो, राइट। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ब्रिजेश भाई ही है और कोई नहीं हो सकता, आप अपने लिए एक ऐसे एम्पायर बना सकते हो। इसी सोच के साथ अगर आप साइन अप किए और ये तीन लोगों को लेके गए वीकॉन, 3+1, अब ये 2012 का जो हिस्ट्री है वो आपके साथ भी रिपीट हो सकता है। आप बोलोगे भाई ऐसे थोड़ी होता है, ये तो आप मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हो, मोटिवेट ही सही, आपको किसने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। आप अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं बोला ऐसा हो सकता है। अगर आपके लिए प्रोबेबिलिटी ये है कि चांसेस ये है कि ये ऐसा नहीं होता है, मेरे लिए चांसेस यही है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, राइट। आप बोलोगे कि ऐसा कितना प्लान दिखाना पड़ेगा, हु केयर्स, डजंट मैटर। अगर आपको मान लो, सोचो आप जिस भी भगवान से मानते हो, जिस भी धर्म से मानते हो, अगर वहां पे प्रकट हो जाए, अगर आपको ये बोले कि भाई सुन, तेरे नसीब में ना पूरा लिखा हुआ है कि तेरे 50 नंबर जो प्लान है वो अर्पित भाई बनेंगे, जो 120 नंबर प्लान है वो अपार भाई बनेंगे, जो 160 नंबर प्लान है वो यशु मैम बनेंगे, जो 210 नंबर वाला प्लान है वो ब्रिजेश भाई बनेंगे, तो आप अपने आप से पूछ लेना कि अगर स्वयं भगवान आकर आपको ऐसा बोल दे ये लाइन, तो आपको 210 नंबर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा आपको लगता है। मैं श्योर हूं आप में से बहुत सारे लोग ये सुन के ना, अगर ऐसे हो जाए आप अभी से सिस्टम ये पीडीएस से ड्रॉप कर जाओगे, तुरंत प्लान दिखाओगे, क्योंकि आपको पता है 210 नंबर तक अगर पहुंच गया ना लाइफ सेट, राइट। आप बोलोगे ऐसे थोड़ी होता है, मैं बोलूंगा कि ऐसे क्यों नहीं होता है और किसने बोला ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। आपको मैं तो बोल रहा हूं कि ये चार ही क्यों, आपको इन चार से बेहतर भी मिल सकते हैं, राइट। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको आके ये स्टाम्प नहीं दिया है, राइट, कि नहीं आपके 210 नंबर प्लान तक आपको ऐसे अर्पित भाई, अपार भाई, यशु मैम और ब्रिजेश भाई की तरह लोग आपको मिल सकते हैं, तो आप ऐसे कैसे मान लोगे कि नहीं हमें नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते हैं, राइट। तो मेरा बस आपसे यही है कि अगर आप अकेले हो, अभी से आपको वीकॉन तक अगर आपने तीन साइन अप और कर ली, राइट, और इसी सोच के साथ ये तीन मेरे ऐसे बनेंगे, कितने प्लान दिखाने हैं मैथमेटिक्स आप बनाना, हो सकता है आप तीन प्लान दिखाओ तीन हो जाए, हो सकता है आप 30 प्लान दिखाओ तीन हो जाए, 50 प्लान दिखाओ तीन हो जाए, डजंट मैटर, राइट। आप डिसाइड करो कि मेरे पास 30-35 डेज है, हर दिन मैं एक एक प्लान दिखाऊंगा, तो आपके 35 प्लान है। आप डिसाइड किए कि नहीं एक महीना छुट्टी लूंगा, हर दिन मैं 4-4 प्लान दिखाऊंगा, 5-5 प्लान दिखाऊंगा, हो सकता है। अगर ये क्लियर है ना, कि मैंने क्या बोला, आपका अगर गोल क्लियर है कि मेरा टीम गोल क्या है, मेरा अपने लिए गोल क्या है, अगर ये गोल क्लियर है और मुझे ये तीन लेके जाना ही जाना है,
तो देन मैं हर वो चीज करूंगा जो मुझे हेल्प करेगा ये अचीव करने में, राइट। तो मैं आपको जिस वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का वीडियो है, हर दिन का है, डे 1, 2, 3, 4, 5। आपने जितने लोग देखे हो फिर से देखना, इसी फीलिंग के साथ देखना, इसी थॉट के साथ देखना कि आई विल बी देयर विथ माई 3 न्यू साइन अप इन दिस, और मैं ऐसे ऐसे चीजें फील कर रहा हूं और मेरे पास, और मैं ये वीडियो इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसी वीडियो में, इसी इवेंट में, इसी वीकॉन में ये चार लोग जिनका नाम मैं बोल रहा हूँ, ये चार लोग थे, और आज के डेट में देखो आज के डेट में क्या है, राइट। आई नीड नॉट टेल एवरीथिंग, आप सबको पता ही है इसका रिजल्ट क्या हुआ है, राइट। तो व्हेन यू सी दिस वीडियो, आप अपने लिए ये सोचना कि इसमें आपके चार लोग इंक्लूडिंग यू कहाँ कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, क्या डांस कर रहे हो, कैसे इवेंट एंजॉय कर रहे हो, वो सब चीज फील करना, जो भी चीज हो रहा है इस 15 मिनट्स में वो सब चीज फील करना, देन विल कम एंड टॉक। It's my time, it's my life, I can do what I like. For the price of a smile, I gotta take it to ride. So I keep living, cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again. This time, it's forever, it gets better. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright, cause tonight we can fly. So we keep living, cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again. This time it's forever, it gets better, and I like how it feels. 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 The best. I consider mediocre. I want my bank accounts like Carlos Slims or at least Mini Oprah. Maybe just close your eyes and imagine any part in the world I've been there. I'm like global warming, they think I just started heating things up. But I've been here, time travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias in translation. Enrique Church's confessional. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. So no te preocupes, baby, for real. Because you don't like how it feels. Cause I like how it feels.
gotta stop using my head, using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo, yeah, yeah. To positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Tomorrow, let's do it tonight.
cars, leave me the garage. And all I, that's all I need, the keys and guitars. And just within 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah, waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sings. It's not about the money. तो मैं श्योर हूँ आप में से बहुत सारे लोग ये जब देख रहे थे ये पूरे 5 दिन का जो मैं आपको दिखाया, पूरे 15 मिनट का जो वीडियो है, इसमें आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने लिए डिसाइड कर लिए होंगे कि आप तो रहोगे ही रहोगे, और आपके साथ कौन से ऐसे 3 साइनअप अभी से लेके बिफोर वीकेंड, अभी से लेके, याद रखना, अभी से लेके 29 जुलाई से लेके टिल 6 सितंबर तक कौन है वो 3 लोग आपके अपने साइनअप जो आपके साथ रहेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया इसी सोच के साथ रहेंगे कि उनमें से कोई एवीपी यशवी मैम की तरह हो सकती है, कोई वी काउंसिलर अपार मल्लिक की तरह हो सकते हैं, कोई वी काउंसिलर अर्पित मल्लिक की तरह हो सकते हैं, और कोई ब्रिजेश भाई की तरह हो सकते हैं, राइट। अब
इसी सोच के साथ अगर आपने स्टार्ट किया, मैं आपको इतना एश्योरेंस देता हूँ कि आपके बिल्कुल हो जाएंगे। अब इसके लिए टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो टेक्निकली आपको 40 नाम लिखना है, 50 नाम लिखना है, 100 नाम लिखना है, उनका नाम, नंबर, डिटेल्स इसी हिसाब से लिखना जिनको आपको बिजनेस प्लान दिखाना है और या तो हॉट में लेके जाना है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें वो चार लोग थे कौन, राइट, विजेश भाई गए थे, उनके वाइफ है ना, एक तो वाइफ थे और उनके साथ एक अच्छे दोस्त क्लोज फ्रेंड थे और फोर्थ पर्सन इज द क्लोज फ्रेंड्स ब्रदर, ऐसे चार लोग गए थे। तो आपके ही नियर में ही होंगे ये से तीन लोग, हो सकता है आप उनको इग्नोर कर रहे हो बट वही लोग आगे जाके ऐसे बन सकते हैं, आपके नियर बिल्कुल करीब करीब में भी हो सकते हैं, राइट, या तो आपके थोड़े कम जान पहचान में हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हाई चांसेस आपके करीब में होंगे और आप इग्नोर किए होंगे। और ऐसे तीन लोग और अपने आपको ऐसे चार लोगों के साथ अगर आपने आप वहां पे गए तो अगले 10 साल में आपकी कहानी ऐसे बन सकती है, राइट। अब आप बोलोगे कि ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है बट हो गया तो क्या बुरा है, राइट। तो अब इसमें से मुझे ये भी पता है आप में से कुछ लोग लंबा वीडियो है बोल के ड्रॉप कर दिए होंगे, जो मैंने आपको बताया ना डिफरेंट काइंड ऑफ फॉलोअर, क्योंकि उनके कम्फर्ट जोन से थोड़ा ऊपर चला गया होगा, जिसका परसेंटेज बहुत ही कम होगा मैं ये मान के चल रहा हूँ। या तो आप में से कुछ लोग ये हो सकते हैं कि नहीं, ये देख के भी जज कर रहे होंगे कि नहीं ऐसे तो बोल रहे हैं बट ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये तो ये वीडियो में यहाँ पे करूँगा तो ये इस वीडियो के साथ मेरे 3 साइनअप अपने आप को लेके जाऊँगा तो कैसे रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। इसका परसेंटेज बहुत नेग्लिजिबल होगा बट अगर 0 है तो और भी अच्छी बात है, बट आई एम श्योर ऐसे भी कुछ लोग होंगे, राइट। सो मिलते हैं वहां पे अपने और आपके 3 नए साइनअप के साथ वीकॉन में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। तो आई होप आज आपको कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। इनकेस अगर मैं आप में से किसी को इंटेंशनली हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो अब आई कैन से सॉरी ओनली, राइट। बट अगर इसमें भी आपका ग्रोथ हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोलने के लिए भी रेडी हूँ। आपका अगर ग्रोथ हो जाए, अगर आपके 3 साइनअप इसमें आ जाए तो, राइट। और याद रखना जो चीज़ें मैं बोला हूँ कि नॉट ओनली लिसन, नॉट ओनली हियर, लिसन मीन्स सुना, प्रोसेस किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और किसको सुना? जो सक्सेसफुल है, जो आपके साथ है, जो सक्सेसफुल है बेसिकली, उसी को सुना, प्रोसेस किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, राइट। इसी तरीके से अगर फॉलो किए तो देन जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, दैट विल बी अचीव्ड वेरी इजीली, राइट। एंड अ टीम गोल, टीम सक्सेस भी विल बी अचीव।